नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में है सबसे बड़ा वाला टॉर्च दामोड़ा का। ये एक दामोड़ा कंपनी का टॉर्च है और काफ़ी अच्छा टॉर्च है। इसमें मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ, मॉडल नंबर इसका है अपना 2690। और अभी बॉक्स में से बाहर निकाल के देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आया है। सबसे पहले इस तरह का इसका चार्जर आता है और इसके साथ में ये टॉर्च है और ये छोटा सा लटकाने के लिए दूरी दिया हुआ है। ये बॉक्स खाली है, कुछ भी नहीं है। बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। वैसे डोरी बहुत ही छोटी दी हुई है, इतना बड़ा टॉर्च है, वजन के हिसाब से भी डोरी जो है थोड़ी बड़ी देनी चाहिए थी। बहुत ही अच्छा टॉर्च है, जिनको बड़ी टॉर्च का शौक होता है यूज करने का, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। और इसका रिव्यू कर लेते हैं कैसा है ये। तो ये इधर हमारा इंडिकेटर लाइट किया हुआ है जो कि हमारे को इंडिकेट करेगा कि टॉर्च स्टार्ट हो गया है। इसके बाजू में जो ये स्विच है, ये स्विच हम चालू करेंगे और ये लाइट चालू हो जाएगी। ये एक मेन स्विच की तरह काम करता है कि अभी मतलब जैसे कि टॉर्च का मेन स्विच है, उसके बाद ही हम ये बटन दबाएंगे तब टॉर्च चालू होगा। ये हमारा टॉर्च का सबसे पहले फूल जलेगा, फिर डिम, और उसके बाद में फ्लैश करने लगेगा, और फिर उसके बाद में जो पीछे वाला बटन है उसकी मदद से हम इसको जलाएंगे, और फिर से दूसरी बार दबाने पर हमारा ये साइड में जो लाइट है, ये एक साइड लाइट है, काफ़ी अच्छी लाइट है रीडिंग करने के लिए, बच्चों को पढ़ने और ऐसा कोई भी जो लाइट जाने के बाद या अंधेरे में और वहाँ पर ऐसा रीडिंग करना है या फिर कुछ स्ट्रेचिंग करना है, सिलाई वगैरह करना है, तो अच्छी रोशनी है इसकी और एकदम कंफर्टेबल है। रात को खाना बना खाते समय भी अगर बिजली चली जाए तो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। और इसको फिर हम यहाँ से बंद करेंगे, तो बंद करने के बाद में ये वाला जो प्लस लाइट है वो ऐसा डीपर होने लगेगा। और ये स्टेप है इसमें, ये वाला बटन जो कि तीन अलग अलग स्टेप में वर्क करेगा, जो आगे वाला बटन है जो कि आगे वाली लाइट को सबसे पहले फूल जलाएगा, फिर डिम, और फिर ऐसा फ्लैश करेगा, और फिर पीछे वाला जो बटन है, दोनों बटन है, ये भी अलग अलग तीन जो स्टेप में काम करेगा। सबसे पहले ये वाला जलेगा, फिर दूसरी बार दबाएंगे तो फिर ये वाला जलेगा, और फिर हम तीसरी बार दबाएंगे तो ये वाला जो है वो रुक झुक होने लगेगा, और फिर बंद करने पर ये बंद हो जाएगा। एक दूसरा इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया हुआ है, इस तरह से ये स्टैंड है, ऐसे एक ही जगह पर स्थिर रोशनी डालनी है। ऐसे ऊंचाई में अगर किसी को मतलब ऐसा एक फिक्स जगह पर अगर रोशनी डालनी है तो ये स्टैंड ऐसा ऊंचा करके यूज कर सकते हैं। दूसरा स्टैंड इस तरफ है जो कि हमारे को जहाँ ठीक लगे वहाँ पर रखकर इसको एक स्टैंड की तरह बना कर हम रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा बैटरी है और अच्छा है। हमारे बहुत सारे कस्टमर की इस तरह से डिमांड होती है कि वो एक बड़ा से बड़ा बैटरी यूज़ करें, और मेरे से भी वो ऐसे बैटरी की मांग करते रहते हैं कि बड़ा बैटरी लेकर आओ, तो मैं ये एक बैटरी लेकर आया और मैंने सोचा कि आपको भी इस तरह का बैटरी दिखाया जाए। और काफ़ी अच्छी बैटरी है और इतना बड़ा इसका बॉक्स ही बहुत ही बड़ा था। आप इस तरह का बैटरी रिटेल दुकानदार से ही ले, डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है अगर ऑनलाइन भी आप खरीदो तो। अभी हमें प्राइस की बात करें तो ये हमारा 1500 रुपये का टॉर्च है
और बैकअप की बात करें तो अगर आप इसका दोनों साइड में से कोई भी एक साइड लाइट यूज करते हैं तो 5 घंटे आसानी से चल जाएगी। और अगर सामने वाला जो लाइट अगर आप यूज करते हैं उसमें डीम पुल दो ऑप्शन है, अगर आप डीम पुल यूज करेंगे तो 6 से 7 घंटे चलेगा। और जो ज़्यादा फुल वाला हमारा ब्राइट जो रिफ्लेक्टर है अगर उसको यूज करोगे तो वो 4 घंटे अपना सर्विस देगा। वैसे बैटरी बहुत अच्छी है और लगातार तो किसी को चालू रखना नहीं होता है। जब भी रात में अगर खेत में अगर आप कहीं बाहर जाओ अपने घर से निकल के तभी इसको यूज़ करना होता है। और बहुत ही अच्छी टॉर्च है और अच्छी आइटम। फिर आप हमें कमेंट में बताइए किस तरह से ये आपको टॉर्च कैसी लगी और आपको दूसरा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। और इसका चार्जिंग टाइम देखने जाएं तो ये फुल चार्ज होने में 0 से फुल चार्ज होने में 8 घंटे लगाती हैं। बस यही था आज का वीडियो। थैंक यू।